हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल यू आर फाइन। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स, और हमने ये भी पढ़ा था कि हेलोएरिन्स हेलोएरिन्स में मीनिंग क्या है। इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था उसका, ठीक है। और हम अच्छा मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि कमेंट सेक्शन में ये भी था कि थोड़ा हमें ऑर्गेनिक का बेसिक भी पढ़ना है। हाँ, मैं बेसिक के लिए एक नई सीरीज बनाऊँगा, ठीक है, जिसको हम रीड करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, उसमें हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा हेलोएल्केन्स हेलोएरिन्स को पढ़ लेते हैं। अभी हमने कल उसका इंट्रोडक्शन, हेलोएल्केन हेलोएरिन होता क्या है, अभी हम उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस क्या होता है, क्लासिफिकेशन बहुत सारी बेसिस पे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अगर हम नंबर हेलोजन एटम्स देखें कि हमारे पास हेलोएल्केन्स में कितने हेलोजन हैं, उसके बेसिस पर अगर हम देखें तो कितने टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहली लाइन रीड करूं तो देखो यहाँ पर, दीज मे बी क्लासिफाइड एज मोनो डाई और पॉली हेलोजन ट्राई टेट्रा एटीसी कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन वन टू मोर हेलोजन एटम इन दियर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल, देखो अब एग्जाम्पल्स में हम आते हैं। पहला एग्जाम्पल अगर हम रीड करें, तो इसमें क्या लिखा है, मोनो हेलोएल्केन। क्योंकि यहाँ पर देखो आप, केवल जो ग्रीन से वो ग्रीन से दिख रहा है आपको हेलोजन, वो क्या है, एक ही है केवल। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ हेलोजन केवल एक रहेगा तो ये मोनो हेलोएल्केन्स कहलाएगा, और अगर दो रहेगा तो डाई हेलोएल्केन कहलाएगा। अगर इसका नंबर थ्री हो जाएगा तो ट्राई हेलोएल्केन्स कहलाएगा। हाँ, हेलोएरिन में क्या था, रिंग होती है ना, एरोमेटिक रिंग हेलोजन के साथ होती है तो हेलोएरिन्स कह लेते हैं। लेकिन इसमें एक हेलोजन होगा तो मोनो हेलोएरिन कहलाएगा, दो होगा तो डाई हेलोएरिन, अगर तीन होगा तो ट्राई हेलोएरिन, ठीक है। आया समझ में? ये तो क्लियर समझ में आ गया होगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है। ईजी है, काफ़ी ईजी है समझना, ठीक है। अब हम आगे वाली लाइन पढ़ते हैं। मोनो हेलो कंपाउंड्स मे बी फर्दर बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का प्रॉपर हम मिक्सिंग होता है, ऑर्बिटल एनर्जी, जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल होता है उसको मिक्स कर देते हैं हम ऑर्बिटल को, ठीक है। ऑर्बिटल की मिक्सिंग को हम कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन उतनी दूर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा अगर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन आप पढ़ सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन नॉर्मल सा अगर हमें समझना है, नॉर्मल सा, तो हम इसमें कह सकते हैं sp, sp2, sp3, sp4। sp का मीनिंग क्या हुआ कि वो केवल किससे होगा, एक ग्रुप से जुड़ा होगा। जो हमारा कार्बन है वो डायरेक्टली एक ग्रुप से जुड़ा होगा तो वो sp हो गया, ठीक है। अगर sp2 है तो इसका मतलब कितने ग्रुप से जुड़ा होगा, सॉरी sp होगा तो दो ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। और sp2 होगा तो कितने ग्रुप से जुड़ा होगा, तीन से। और sp3 होगा तो चार से, ठीक है, चार ग्रुप से जुड़ा होगा, ठीक है। क्लियर आया समझ में? तो इसका बेसिस पढ़ते हैं हम, देखिए। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर हम समझेंगे। पहला देखो, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो sp3 कार्बन के अकॉर्डिंग कैसे होता है, देखो आप। अब इसमें लिखा, इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन एल्काइल ग्रुप R, दे फॉर्म एन होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटिंग बाई CnH2n+1X। दे फर्दर क्लासीफाइड एज ए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन अटैच, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है, पहले एक रिप्रेजेंटेड बाई होमोलोगस सीरीज रिप्रेजेंटेड बाई CnH2n+1 का मीनिंग समझ लेते हैं हम, ठीक है। CnH2n+1 ये क्या, किसको डिनोट करा है, एल्काइल ग्रुप को। इसके साथ X देख रहे हो आप, हेलोजन, ये क्या है, यहाँ पर देखो, ये वाला पढ़ा CnH2n+1, ये एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, होमोलोगस सीरीज में एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो एक्स है हमारा, वो हेलोजन को, तो एल्काइल हैलाइड हो गया एक तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड होगा किस, ये देखो, इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होगा। अब देखो उसके बेसिस पर हम, इन्होंने तीन में अटैच किया, देखो आप नाम पढ़ोगे ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब कार्बन केवल एक एल्काइल ग्रुप से अटैच होगा, जैसे R डैश है यहाँ पर, तो ये प्राइमरी कहलाएगा। अगर कार्बन दो R डैश से अटैच है, R डैश R डबल डैश से अटैच है, तो इसको सेकेंडरी कहेंगे। अगर ये तीन मतलब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कितने होंगे, एल्काइल ग्रुप का नंबर क्या होगा, थ्री, तीन ग्रुप से अटैच होंगे, जैसे R डैश R डबल डैश और R ट्रिपल डैश, तो ये टर्सरी हो जाएगा। क्लियर आया समझ में? हाँ, यहाँ पर देखिए आप,
अगर कार्बन डायरेक्टली हेलोजन से अटैच होता है, कार्बन क्या होता है, डायरेक्टली आपका किससे अटैच है, हेलोजन से। जैसे देखो कार्बन, यहाँ पर कार्बन का sp3 कैसे पता चला हमें कार्बन sp3 है, देखो यहाँ पर ये चार ग्रुप से अटैच है, देखो फर्स्ट सेकेंड, चलो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट ये H ऊपर वाला R-H एंड हेलोजन, देखो चार ग्रुप से है, तो sp3 के लिए मैंने बताया था आपको चार ग्रुप से अटैच होना चाहिए, तो ये वाला कार्बन कितने ग्रुप से अटैच है, चार ग्रुप से अटैच है, तो ये sp3 कार्बन हो गया। ये भी sp3 है, चार ग्रुप से है, ये भी sp3 है, चार ग्रुप से है। अब आगे हम आते हैं, आगे डिस्कस करेंगे हम, देखो हाँ अब आते हैं एलाइलिक हैलाइड पर। एलाइलिक हैलाइड क्या है, दीज आर द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, कार्बन है यहाँ पर, कार्बन भी चार ग्रुप से, दो H2 है यहाँ पर, एक हेलोजन है और एक ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर CA वाला कार्बन, ये वाले कार्बन की यहाँ पर बात हो रही है, मिटा देता हूँ इसको पहले। देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कैसे एलाइलिक कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि कार्बन के साथ हेलोजन अटैच हो, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड हो, तो उसको एलाइलिक कहलाते हैं। और यहाँ पर हेलोजन अटैच है तो एलाइलिक हैलाइड हो गया, कार्बन के नेक्स्ट में डबल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, कार्बन जो sp3 कार्बन है, ये वाला कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन है ये वाला, ठीक है। तो ये sp3 कार्बन कैसे है, क्योंकि इसके पास चार ग्रुप है, देखो दो तो H2 हो गए, एक कार्बन हो गया और एक हेलोजन हो गया, ये चार ग्रुप अटैच है इसके साथ, तो sp3 हो गया, ठीक है। इसके बगल वाले जो कार्बन है, नेक्स्ट वाला कार्बन, ये क्या है ना, यहाँ पर ऐसा बनाया रहता है, और इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, कार्बन, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखो सी है, डबल बॉन्ड सी इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है, सी है, डबल बॉन्ड सी, और इस तरीके से ये दिखा रहा है, ठीक है, और ये CH2 है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाया है, मतलब जहाँ यहाँ पर आपको स्पेस छोड़ रखा है, इसका मतलब यहाँ पर सी है, और यहाँ पर ये CH2 हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ये डायग्राम शो करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए इसमें क्या लिखा है, इसमें यही मीनिंग बता रखा है कि ये एल्काइल एलाइलिक हैलाइड कहलाए। बेंजाइलिक हैलाइड कैसे कहेंगे हम, कार्बन, देखो आप यहाँ पर बेंजाइलिक हैलाइड कैसे कहेंगे, जो हमारा कार्बन है ये वाला कार्बन, ये sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन के कौन सी रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग इसे कहते हैं, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग होगा, ठीक है। एरोमेटिक रिंग में क्या होना चाहिए, बेंजीन जैसा, ठीक है, स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लियर आया समझ में, इस तरीके से, ठीक है, ये क्लियर आया समझ में। ये आपके पास एग्जांपल है दो कार्बन के साथ तीन रिंग। अब देखो यहाँ पर ये टर्सरी है, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, देखो कैसे कार्बन है, देखो R- यहाँ पर R-R" है, तो यहाँ पर सेकेंडरी हो गया, क्लियर आया समझ में, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर बता रहा है कि ये सेकेंडरी है, टर्सरी है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड समझ में आ गया, एलाइलिक हैलाइड आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी पड़ेगी, कार्बन होगा, देखो हेलोजन के बाद कार्बन होगा, कार्बन के नेक्स्ट में डबल बॉन्ड कार्बन होगा, तो उसको एलाइलिक हैलाइड कह देंगे। यहाँ पर भी अगर आप दूसरे एग्जांपल पे देखोगे तो आपके पास कार्बन है, कार्बन के नेक्स्ट में दूसरा कार्बन है, ऐसे ही, मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से इसको बना ऐसे करके बन नहीं रहा है, एक्चुअली काफ़ी देखो मैं एलाइलिक बता देता हूँ आपको ड्रॉ करके। देखो यहाँ पर क्या है कि डबल बॉन्ड कार्बन है CH2, CH2 के साथ X जुड़ा है, ये sp3 कार्बन है, sp3, और इसके साथ डायरेक्टली क्या होगा, एक कार्बन और जुड़ा होगा, जो कि किसके साथ होगा, डबल बॉन्ड, ये प्रॉपर बन नहीं पाया, देखो दोबारा से, ये यहाँ पर CH2 है, X है, और कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, ठीक, क्लियर आया समझ में, ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा क्या कहलाएगा, एलाइलिक हैलाइड, ठीक। ये दूसरा स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, बेंजीन रिंग है मेरे पास, यहाँ पर भी कार्बन है, प्रॉपर बना देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर बना देता हूँ पहले बेंजीन रिंग, देखो यहाँ पर भी कार्बन, 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 और बीच में बेंजीन,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बेंजीन रिंग से इससे तो पता नहीं चल पाएगा हमें, दोबारा से बनाना पड़ेगा। देखो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात। देखिए कार्बन 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 एंड कार्बन, तो यहाँ पर हमारे पास पहला कार्बन है जो उसके साथ हैलाइड ग्रुप जुड़ा है, और दूसरा डबल बॉन्ड। कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दो जो पहला वाला कार्बन है वो sp3 होना चाहिए। ये कौन सा कार्बन है? sp3, ठीक है। अब sp3 की पहचान कैसे करें हम? देखो यहाँ पर कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ी है, और एक हैलाइड। ये चार ग्रुप से जब जुड़ा होगा तो इसको sp3 बोलेंगे, ठीक है। क्लियर आया समझ में? एलाइलिक और बेंजाइलिक का मतलब समझ गया। एलाइलिक में क्या होता है? बेंजाइलिक में क्या है? डायरेक्टली कार्बन के साथ जो sp3 कार्बन है उसके साथ बेंजीन रिंग जुड़ा है। यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर भी कार्बन है एक। अगर यहाँ पर डॉट ऐसे करके छोड़ रखा ना आपको, तो यहाँ पर ये मेंशन होता है कि ये कार्बन होगा। यहाँ पर क्या होगा? कार्बन होगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक कार्बन है, तो कार्बन किससे जुड़ा है डायरेक्टली? बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है, उसको बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्लियर आया समझ में? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम इसका नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम देखो यहाँ पर sp2 के लिए बताते हैं विनाइलिक। अब sp2 के अकॉर्डिंग विनाइलिक, sp2 कैसे पता करेंगे हम? देखो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है यहाँ पर? कार्बन के साथ क्या है? यहाँ पर दो ग्रुप जुड़े हैं, मतलब एक डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड को भी हम मान लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड, एक कार्बन और एक हेलोजन जुड़ा है इसके साथ, ठीक है। और एक HB होगा इसके साथ। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक ग्रुप ये हो गया, sp2 हो गया ना, sp2 में तीन होना चाहिए। एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया, ठीक है, और तीसरा हेलोजन हो गया, ठीक है। तो ये तीन ग्रुप जुड़े हैं इसके साथ, सेम चीज़ इसमें भी होगा, तो ये sp2 हो गया। क्लियर? इस sp2 का मतलब समझ में आ गया होगा। दोबारा से समझा देता हूँ, sp2 का मतलब कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक इसके साथ हाइड्रोजन भी होगा, एक इसके साथ हेलोजन भी होगा। तो यहाँ पर ये हो गया 1, 2 एंड 3। क्लियर आया समझ में? तीन ग्रुप हो गए, ठीक है, तीन ग्रुप, तो ये sp2 हो गया। अब विनाइलिक कैसे कहेंगे हम इसे? दीज आर कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइड्रोजन कार्बन ऑफ एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कार्बन, हेलोजन से कार्बन जुड़ा होना चाहिए, वो तो sp2 होना चाहिए, है हमारे पास, और उसके पास डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। उसके पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड भी होना चाहिए, तभी ये विनाइलिक कहलाएगा। क्लियर आया समझ में? यहाँ पर भी अगर आप एग्जामिन करेंगे इसको, तो इसके पास भी कार्बन है, कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, और वो हेलोजन से जुड़ा है, तो ये विनाइलिक कहलाएगा। अब बात करते हैं एराइल हैलाइड में, ठीक है। किसकी बात करते हैं? एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में क्या होता है कि डायरेक्ट जो हेलोजन एक्स है यहाँ पर, एक्स मतलब FClBri, ठीक है। इसको याद कैसे रखें? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वैसे इजी है, या हम कोड वर्ड में इसको कह सकते हैं फिर कल बाहर आएगी, फिर कल बाहर आएगी, तो इसके बिहाफ पे हम इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के साथ डायरेक्टली क्या अटैच है? हेलोजन अटैच है, तो ये एराइल हैलाइड कहलाएगा। अगर आपको कैसा भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिखता है तो एराइल हैलाइड। हमने आज क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर से पहले मैं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब ऑर्गेनिक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन कैसे कहते हैं इसको, इस तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, हमारा जो चैनल है, अगर आपको ये वीडियोस हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है, हमारा मेन पर्पज़ यहाँ पर ये है कि NCERT को डिस्कस करना, NCERT को। हमारे आपके पास काफ़ी लेक्चर होंगे, आप दूसरी जगहों से कर सकते हैं, लेकिन रीड कैसे करते हैं बुक को, या रीड हमें दिमाग में कैसे उसको रीड करना, अपने कैसे हम रीड करें इसको, इसी तरीके से हम रीड करेंगे समझने का। NCERT को हमारा पर्पज़ ये रखा है हमने कि NCERT से आप लोग सीखें, आपका टाइम भी बचे, ठीक है, और हम प्रॉपर आपको गाइडेंस भी दें। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो हमारी, तो हम आपके कांटेक्ट में हैं, आप हमें मैसेज कमेंट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आप, ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक पार्ट में आपका वीडियोस बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।